नमस्ते दोस्तों, रूस के साइबेरिया क्षेत्र के पूर्व में फैला कामचात्का प्रायद्वीप आजकल काफी चर्चा में है, क्योंकि इस प्रायद्वीप पर काफी पहाड़ियां हैं और यहां पर लगभग 160 ज्वालामुखी स्थित हैं, जिनमें से 29 ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय माने जाते हैं। इस कामचात्का प्रायद्वीप का क्षेत्र 4,72,300 वर्ग किलोमीटर है, जो हमारे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से लगभग दोगुना है। ये प्रायद्वीप उत्तर में साइबेरिया से जुड़ा है। इसके पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में अखोत्स सागर है। प्रशासनिक रूप से ये रूस के कामचात्का कार्य विभाग का हिस्सा है। इस प्रायद्वीप में उपस्थित 29 सक्रिय ज्वालामुखी में एक क्रुचेत्स्काया सोपका है, जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है। इस प्रायद्वीप पर तरह तरह के पशु पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें भूरा भालू काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि ये आकार में काफी बड़े होते हैं। वैज्ञानिकों की चेतावनी इस प्रायद्वीप को लेकर लगातार आ रही है, क्योंकि पर्यावरण में लगातार हो रहे परिवर्तन की वजहों से रिंग ऑफ फायर के क्षेत्रों में भूकंप पहले की अपेक्षा ज्यादा आ रहे हैं, जिस वजह से कामचात्का प्रायद्वीप पर स्थित शिवेलुच सक्रिय ज्वालामुखी के विस्फोट होने की संभावना बन रही है। चीन और हिमालयी बेल्ट में भी लगातार भूकंप की स्थिति देखी जा सकती है। इन्हीं वजहों से यह शिवेलुच ज्वालामुखी किसी भी वक्त फट सकता है। ये 15 सालों से शांत था, लेकिन अब इसमें हलचल हो रही है। इसके आसपास का क्षेत्र जंगल व टुंड्रा वनों से घिरा हुआ है। अगर इसका उद्गार हुआ तो इन जैव विविधताओं पर काफी प्रभाव पड़ेगा। इस प्रायद्वीप पर इंसानों की आबादी बहुत कम मात्रा में रहती है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ पे उपस्थित सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या काफी अधिक है, जो कभी भी फट सकते हैं। लेकिन डर इस बात का है कि अगर ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो भारी मात्रा में राख, ग्लास, गर्म लावा, पत्थर और गैस का विस्फोट होगा, जिसकी वजह से हवाई उड़ानों में दिक्कत होगी और यहाँ पर रहने वाले जानवरों का रहन सहन भी काफ़ी प्रभावित होगा। इसके विस्फोट से हवाई रूटों को बदलना भी पड़ेगा। ये शिवेलुच ज्वालामुखी 10,771 फीट ऊंचा है। ये इस प्रायद्वीप का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी माना जाता है। पिछले 10,000 साल में 60 बार भयानक विस्फोट इसमें हो चुके हैं। वॉल्केनिक इरप्शन रिस्पॉन्स टीम जो यहाँ गई थी, उसने कहा है कि ये ज्वालामुखी पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा सक्रिय हो गया है और इसके गुंबद का लावा तेजी से बढ़ रहा है। इसके क्रेटर से बहुत ज़्यादा मात्रा में भाप और गैस निकल रही है। इसमें हल्के फुल्के विस्फोट भी हो रहे हैं और इन विस्फोट की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान भी काफ़ी बढ़ गया है। ये क्षेत्र रात में पूरी तरह से नारंगी रंग का दिखाई देता है। ये ज्वालामुखी इससे पहले 2007 में फटा था। इस पूरे क्षेत्र को ऑरेंज लेवल का खतरा घोषित किया गया है, यानी किसी भी वक्त विस्फोट हो सकता है इसमें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।